आज के युग में जोड़ना बहुत मुश्किल होता है और तोड़ना बड़ा आसान। आइए समझते हैं एक कहानी के जरिए ये क्या है। एक गधा पेड़ से बंधा था, शैतान आया और उसे खोल गया। गधा मस्त होकर खेतों की ओर भाग निकला और खड़ी फसल को खराब करने लगा। किसान की पत्नी ने यह देखा तो गुस्से में गधे को मार डाला। गधे की लाश देखकर मालिक को बहुत गुस्सा आया और उसने किसान की पत्नी को गोली मार दी। किसान पत्नी की मौत से इतने गुस्से में आया कि उसने गधे के मालिक को गोली मार दी। गधे के मालिक की पत्नी ने जब पति की मौत की खबर सुनी तो गुस्से में बेटों को किसान का घर जलाने का आदेश दे दिया। बेटे शाम में गए और मां का आदेश खुशी खुशी पूरा कर आए। उन्होंने मान लिया कि किसान भी घर के साथ जल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान वापस आया और उसने गधे के मालिक की पत्नी और बेटों को तो एक साथ उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उसे बड़ा पछतावा हुआ और उसने शैतान से जाकर उसी पेड़ के नीचे जहां गधा बंधा हुआ था उससे पूछा, ये सब नहीं होना चाहिए था, शायद ऐसा क्यों हुआ? शैतान ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ गधा खोला, लेकिन तुम सबने रिएक्ट किया, ओवर रिएक्ट किया और अपने अंदर के शैतान को बाहर आने दिया। इसलिए अगली बार किसी का जवाब देने, प्रतिक्रिया देने या किसी का बदला लेने से पहले एक लम्हे के लिए रुकना और सोचना जरूर। ध्यान रखें, कई बार शैतान हमारे बीच सिर्फ गधा छोड़ता है और बाकी विनाश हम खुद कर देते हैं। और हाँ, आपको यह भी समझाना है कि गधा कौन है। हर रोज टीवी चैनल गधे छोड़ जाते हैं और हमें लड़ाते रहते हैं। मिलजुल कर मुस्कुरा कर खुशी से रहिए। याद रखें, तोड़ना आसान है, जुड़े रहना बहुत मुश्किल है। लड़ाना आसान है, मिलाना बहुत मुश्किल है।